उसने फीड खाई उसको वजन मिला जी। मिसाल के तौर पे हम हमेशा से बोलते हैं 26 FCR चल रहा है, 27 FCR चल रहा है, उसका क्या मतलब है? 26, 27, 28, 29, 30, 32 जितने भी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने लिखा हुआ होगा, उसका मतलब ये कि 50 किलो फीड डाली एक बैग, उसमें मुझे मिला 26 किलो, 27 किलो, 28 किलो, 32 किलो। सबसे बेस्ट जो आपको FCR मिलता है ओपन शेड में वो मिलता है 30 के करीब, 29 से 30। इससे ऊपर नहीं मिलता, कंट्रोल वालों को मिलता है 31, 32। अच्छा, इस हर्बिटॉल का जो फायदा है ना, मैंने आपको बताया डाइजेशन का इशू नहीं होगा, आपका बर्ड फीड ज़्यादा खाएगा, आपका बर्ड जो है ना फीड डाइजेशन अच्छी करेगा, आपका बर्ड जो है ना वो FCR अच्छा देगा। जब ऑलरेडी डाइजेशन अच्छी होगी, जब ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना फीड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मिसाल के तौर पे अगर एक चूज़ा है वो 200 ग्राम फीड खा रहा है तो इसके बाद इंशाल्लाह वो 250 ग्राम फीड खाएगा। तो ओवरऑल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा तो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे इसका यूज़ करने से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान आज जो है ना वीडियो में हमारे साथ जो है ना साथ मौजूद है, और भाई माशाल्लाह से बड़े फेमस हो रहे हैं यार, किस किस की वीडियो में आप आ रहे हो यार माशाल्लाह। ये सब अल्लाह ताला का करम है और नवाजिशें हैं जो हर कोई आ रहा है और इज्जत दे रहा है, सब कुछ है। बाकी यही है कि इंशाल्लाह बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं सब भाइयों के लिए, और अभी नया स्टॉक भी आने वाला है इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे वो पहुँच जाएगा, और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात भी होने वाली है इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है। हमारे काफ़ी भाई कह रहे थे यार आप वीडियो नहीं डाले, वीडियो नहीं डाले, भाई ऐसा नहीं है, वीडियो अपलोड हो जाती है लेकिन आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं आ पा रही है। तो यही है कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें तो इंशाल्लाह आप हमारी सारी अपडेट से आगे बनाएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है भाई? क्या यार आज की वीडियो जो है ना, मैंने ये सोची हुई है कि आज जो है ना हमने एक तो अपडेट दिखानी है, दूसरा ये कि काफी टाइम से वजन नहीं हुआ हुआ, चूजे का वजन करेंगे, कितनी फीट अब तक लग चुकी है, और इसके अलावा ये कि भाई आज के मौसम में मैं आपको ये बताऊंगा जिस तरीके से मौसम हुआ हुआ है ना उस हिसाब से आपको जो है ना ऑर्गेनिक एसिड किस तरीके से यूज करना है, ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, उसके फायदे क्या है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है ना भाई मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो है ना मैंने प्लास्टिक इसलिए लगाई कि हवा जो चल रही है ना वो ताकि उससे कंट्रोल हो, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है धूप निकल गई है। अब लोग ये बोलेंगे कि यार आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हो, इसमें देखें हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और धूप जो है ना ये समझें कि आप नेमत है। तो बात सारी है कि भाई अब जो है ना प्रेशर जो है ना डिजीज प्रेशर भी थोड़ा सा हो सकता है, चांसेस कम हो जाए, और हमारे लिए तो भाई गुड न्यूज़ यही होती है कि बारिश ना हो ज़्यादा बेहतर है, बाकी मौसम के हिसाब से बारिश होनी चाहिए, जाहिर सी बात है इंसानों को ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल ये कि बारिश रहमत की बारिश हो, हमारी यही दुआ होती है कि हर चीज़ में रहमत की बारिश हो, और जो भी चीज़ होती है अल्लाह पाक के करम फजल से ही होती है, अगर कुछ भी होता है तो अल्लाह का पाक की कोई ना कोई इसमें बेहतरी होती है। बाकी साथ भाई सबसे पहले यार आप ये वाली चप्पल पहन लो, ये वाली जो पड़ी हुई है ना, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो, तो भाई देख लें सबके साथ प्रोटोकॉल जो है ना सबके साथ फॉलो करना पड़ता है। एक सेकंड में लाइट खोल देता हूँ ताकि आप वीडियो में मज़ा आए। बाकी यार अभी इसके अंदर जो है ना रैकिंग करके आपको दिखानी थी कि राइसेस मेरा किस कंडीशन में है, रैकिंग के बाद किस कंडीशन में हो जाता है, ताकि ये कि यार ओवरऑल आपको पता चल जाए कि रैकिंग क्यों करनी चाहिए, किस हिसाब से और किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बाकी यार अभी जो है ना दोनों फ़ैन मैंने ऑन कर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस सके, एक ये फ़ैन ऑन चल रहा है, एक ये फ़ैन चल रहा है, और बाकी चूज़ा आपके सामने है माशाल्लाह से खुला हुआ है, कुछ चूज़ा जो है ना वो पेंटिंग भी कर रहा है, ये देखें आप, पेंटिंग का मतलब होता है हाफ नाक, कुछ चूज़ा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है जी, चारों तरफ बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पे चूज़ा हुआ है माशाल्लाह से। बाकी माशाल्लाह से सात भाई जी, भाई 2 दिन बाद आप आ रहे हो ना, 1-2 दिन बाद तकरीबन, दूसरा दिन है, क्या फ़र्क लगा? फर्क लग रहा है अच्छा खासा, चूज़े के अंदर साइज में बहुत इंक्रीज आया है, और सारी छूड़े ओवरऑल राइस के हिसाब से बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया यार, पहले थोड़ा सा ना लग रहा था कि उसमें ह्यूमिडिटी या नमी आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको देख सकते हैं कोई नमी नहीं है इसके अंदर ना, ऐसी है काला हो गया, अभी इसमें रैकिंग भी करेंगे। काम करते हैं ना, शुरू में ही मैं रैकिंग करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये कि वीडियो में जुड़े रहिएगा भाई, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप लोग यार इतना मुझे अफसोस हो रहा है ना, अब तो 2000 के करीब हम होने वाले हैं और इस कंडीशन में आके आप लोग जो है ना वीडियो नहीं देख रहे यार, वीडियो देखो यार, फिर आप लोग बोलते हो कि ब्रदर में आप वीडियो नहीं दिखा रहे, वीडियो नहीं दिखा रहे, मेरे भाई मैं आज आपको इतनी चीज़ें बताने वाला हूँ ना कि आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और आपको
ये चीजें जो है ना बहुत कम लोग बताएंगे, तो इसलिए हम मैं हो गया, वलीद हो गया, साद हो गया, हम जितने भी हैं खुले एंड पे हम हर चीज बता देते हैं कि भाई इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना। हमें कोई डर नहीं लगा हुआ होता भाई कि हमारे जो है ना वो कॉम्पिटिशन हो जाएगा हमारे चक्कर में, या ये कि हमारे जो है ना आप ये समझें कि क्लाइंट कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो है ना कि हमारा हुनर किसी के पास चला जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये देखा आप मेरे पास आ गया, ये तो भाई ऐसी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि सब काम सीखें। और ओवरऑल जिस तरीके से मैं काम कर रहा होता हूँ वो सारी चीज़ें दिखा रहा होता, काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि यार अपना फेस आप दिखाओ, फेस दिखाओ, तो यार देखें फेस दिखाने का मकसद भी ये होता है ना कि देखें मैं अकेला हूँ और उसमें जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह लेना है, इसके अलावा एक माइक वगैरह भी लेना है, तो वो इंशाल्लाह लेंगे। बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे यार तो ओवरऑल देखेंगे, बाकी अभी बिल्कुल अफसोस होता है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं, लेकिन साथ भाई ने बोला यार वीडियो बनाए, लेकिन साथ भाई आप खुद बताओ यार कहाँ हमारे 1200-1500 इतनी पब्लिक है हमारे पास और पब्लिक देख नहीं रही, तो वो अफसोस नहीं होगा। खैर अफसोस होगा, लेकिन हमने तो लगे रहना, हमने हमारी कोशिश ये नहीं है कि हमने यूट्यूब उठाना है, ये करना है, करना है, हमारा यही है कॉन्सेप्ट है कि यार लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाए, लोग ये काम करें, क्योंकि हमने पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट लेवल पे ये काम करना है, इंशाल्लाह हमारा एम यही है इस चीज़ का ना। बिल्कुल इंशाल्लाह, हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई, जितने लोग फार्मिंग करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग करें, ताकि ब्रायलर का रेट भी नीचे आए, ताकि इससे ये नुकसान नहीं है, ब्रायलर का रेट नीचे आने का कोई नुकसान नहीं है, ब्रायलर का रेट नीचे आएगा फीड सस्ती होगी, आपका मीट सस्ता होगा, आपकी बिजली सस्ती होगी, सब कुछ सस्ता होगा, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, तो हर शख्स के लिए आसानी होगी अफोर्ड करना, क्योंकि अभी इस दौर में जिस तरह की महंगाई है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ब्रायलर मीट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी है भाई, बिल्कुल सही बात करिए। तो साथ भाई सबसे पहले एक काम करें ना, आप फ़ोन पकड़ें और ओवरऑल मैं रैकिंग करके दिखाता हूँ। सही है सही, ताकि वही पता चले। बाकी अभी रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रैकिंग से पहले आप देख लें चूजे की कंडीशन, देख लें आज भी तकरीबन 12 कौन सा दिन है, आज इनका 21वां दिन है, आज 21वां दिन है, और मेरे अंदाजे से जो अभी वेट पे खड़ा हुआ है हमारा चूजा वो तकरीबन 1.5 से 300 ग्राम तक का चूजा है, बाकी साइजिंग इशू इस दौरान अलहमदिल्ला नहीं आया, आप चूजे की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देखिए अभी अंदाजन तो मैं बता रहा हूँ, जितना एक्सपीरियंस है आपसे बता रहे हैं आपको, देख ले रैकिंग स्टार्ट कर दी है फिर भाई ने, कितने मजे से हो रही है। जी जी, कैमरे में दिखा रहे हैं। जी जी सर, सब कुछ नजर आ रहा है कैमरे में। तो भाई वही बात है सारी, मेहनत मानती है, और ओवरऑल देख रहे आप नमाज के कपड़ों में, नमाज के बाद जुम्मे के बाद ये रैकिंग शुरू कर दी है मैंने, सुबह भी करी थी, लेकिन इसमें ओवरऑल मज़ा आ रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं लग रही, मेहनत नहीं लग रही, अभी साथ को भी पकड़ाएंगे, साथ से भी एक वीडियो देंगे कि भाई मेहनत लग रही है ताकि पता चले ओवरऑल ये फर्स्ट लगने से बात कितनी वो हो गई है। हाँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं ब्रायलर फार्मिंग बहुत आसान है, बस चूज़ा ले लिया, फीड डाल दी और बस आपका काम हो गया, आपके महीने के कुछ अमाउंट बन गई, भाई ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर। और बाकी ये है कि अभी फ्लॉक एंड होने के बाद जो ख्वारी होती है वो अलग होती है, और दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रेट अच्छा चल रहा है, बाकी फ्लॉक एंड होने तक देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है हमारा, इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है फैज़ भाई इस दफ़ा हम नुकसान कवर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार पूरी उम्मीद है। जी जी, जो नुकसान हो जाए ना कवर हो जाए किसी तरीके से, बाकी यार अल्लाह के हाथ में होते हैं, आप लोग ये मेहनत करके इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, वीडियो भी बनाते रहेंगे, ब्लॉग भी डालते रहेंगे, जब तक अल्लाह दिया है हमें जब तक हमारी होल्डिंग पावर है, सीधी बात है, तब तक हम ये काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह रुकेंगे नहीं, अगर होल्डिंग पावर नहीं भी होगी तो कोशिश करेंगे ये काम नहीं छोड़ें हम, क्योंकि एक तो ये हमारा शौक भी है और ऊपर से दूसरा ये कि ये काम ऐसा है कि ये साल के 12 महीने चलने वाला काम है ये। बाकी यार साथ में हम माशाल्लाह से गोल्डन मिस्त्री काम कर रहे थे, काम हुआ अभी यार गोल्डन मिस्त्री के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया काम को, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हो रही थी जिस वजह से जगह का मसला हो गया था मेरे पास, क्योंकि जो जगह मेरे पास थी उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पानी रुक रहा था, खड़ा हो रहा था, इस चक्कर में मैंने वो काम रोक दिया। अभी इंशाल्लाह प्लान ये है कि नेक्स्ट मंथ डालेंगे मिस्त्री, उसके बाद आपको अंडा भी बड़े अच्छे रेट पे मिलेगा मुझसे, और बाकी दूसरी चीज़ें ये कि चूरन बेचने की बात ही नहीं है भाई, रेट वो देंगे जो मार्केट में क्या होलसेलर भी नहीं दे रहा होगा, ये बात मेरी गारंटी है आपकी। भाई राइस एक्स अलहमदिल्ला बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग हो रही है, और दूसरा ये कि अच्छी बात ये कि राइस एक्स जमा हुआ नहीं है, जमा हुआ होता है राइस एक्स तो रैकिंग करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि
आप काफ़ी लोग फार्म की अपडेट्स मांग रहे थे यार, फार्म की अपडेट्स हम लोग इसीलिए नहीं दे पाते हैं, एक तो फार्म जाना होता है, उधर काम इतने होते हैं, अलहमदिल्ला अभी चीज़ें भी बढ़ गई हैं और बाकी मामलात भी होते हैं, काफ़ी लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि मेरा फार्म अभी जो चक्कर लग रहा है ना जब भी फार्म पे, तो कम से कम भी 2 से 3 क्लाइंट आए हुए होते हैं यार, ये चीज़ दिला दो, ये चीज़ दिला दो, ये चीज़ दिला दो। अच्छा, फार्म से खाली बिज़नेस हम नहीं कर रहे, फार्म से बिज़नेस काफ़ी लोग कर रहे हैं, मतलब जो पलाई करवा रहे हैं वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो भी सारा हिसाब किताब चल रहा है। बाकी अलहमदिल्ला बकरों की अपडेट बड़ी अच्छी आने वाली है, और उसके अलावा पलाई पैकेजेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट की है, जैसे कि आपका वनडे के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग यूनिक चीज़ें ऐड की हैं, उसके अलावा आपका वीकली में दूध वगैरह और दही तेल वगैरह और दूसरी चीज़ें चलाना स्टार्ट कर दी हैं। बाकी भाई अभी रैकिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, इस वो भी करेंगे। अच्छा, रैकिंग तो चलते रहेगी, मैंने दिखा दी आपको रैकिंग होती किस तरीके से। एक चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी ना कि ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, देखें जितने भी हमारे पास वेजिटेबल सोर्सेज होती हैं ना, उसमें हमारे पास होती हैं ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में, जैसे हमारे पास लेमन हो गया, इसके अलावा ये कि हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल सोर्सेज हो इनके लिए रिकमेंडेड होती हैं, जैसे हमारे पास विनेगर हो गया, सिरका जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो जो है ना जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो है ना मोलेसेस हो गया, गुड़ वगैरह, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आता है। इसका फायदा ये है कि इसमें डाइजेशन का इशू नहीं आता। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, काम करते हैं ना, थोड़ा बाहर आते हैं, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा काफी लोग ना हमसे ये पूछते हैं कि यार आप मुर्गी का काम कर रहे हो, ये इंजेक्शन कौन से लगते हैं जिससे मुर्गी का वजन बढ़ता है। मैं कहता हूँ भाई ऐसी बात नहीं है, इंजेक्शन वगैरह नहीं होते इसके अंदर, जो मेडिकल में यूज होती है वो खाली वैक्सीन यूज होती है और दवाइयाँ यूज होती है, जैसे ये हो गई आपका हर्बिटॉल हो गई। इसका फायदा ये है कि भाई इसके अंदर डाइजेशन का इशू नहीं आता, इसके अंदर सबसे बोनस चीज जो है ना वो ये कि आपका एफसीआर बेहतर होता है, एफसीआर किस तरीके का बेहतर होता है मैं आपको बताता हूँ, काम करेंगे अंदर लेके। अच्छा फैज भाई, जरा एफसीआर का भी लोगों को समझाए, काफी भाइयों को हमारे पता नहीं है कि एफसीआर होती क्या चीज है। भाई एफसीआर का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेशो, आप आए अंदर आए थोड़ा सा चलेगी भाई, पता चल जाएगा बेसिकली लोगों को, फीड कन्वर्जन रेशो का मतलब ये होता है कि जितनी उसने फीड खाई उसको वजन मिला जी। मिसाल के तौर पे हम हमेशा से बोलते हैं 26 एफसीआर चल रहा है, 27 एफसीआर चल रहा है, उसका क्या मतलब है, 26 27 28 29 30 32 जितने भी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने लिखा हुआ होगा, उसका मतलब ये कि 50 किलो फीड डाली एक बैग, उसमें मुझे मिला 26 किलो 27 किलो 28 किलो 32 किलो। सबसे बेस्ट जो आपको एफसीआर मिलता है ओपन शेड में वो मिलता है 30 के करीब, 29 से 30, इससे ऊपर नहीं मिलता, कंट्रोल वालों को मिलता है 31 32। अगर हम जैसे बंदे हैं ना, जैसे लास्ट टाइम हमारा नुकसान हुआ, क्यों हुआ, एफसीआर कम था, 26 एफसीआर आया, फीड में थोड़ा बहुत जो है ना इशू था, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी थी, तो वो ओवरऑल जो है ना इसलिए नुकसान हुआ। अच्छा, इस हर्बिटॉल का जो फ़ायदा है ना, मैंने आपको बताया डाइजेशन का इशू नहीं होगा, आपका बर्ड फीड ज़्यादा खाएगा, आपका बर्ड जो है ना फीड डाइजेशन अच्छी करेगा, आपका बर्ड जो है ना वो एफसीआर अच्छा देगा, जब ऑलरेडी डाइजेशन अच्छी होगी, जब ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना फीड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक चूज़ा है वो 200 ग्राम फीड खा रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह वो 250 ग्राम फीड खाएगा, तो ओवरऑल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँ ना तो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे इसका यूज़ करने से। 1600 रुपये की इसकी कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बाकी ये कि इंशाल्लाह यूज़ करें, फीड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, पानी के अंदर भी, डोज अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी सर भाई बताओ वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, वीडियो अलहमदिल्ला 12 मिनट की हो गई है, बस इसको एक दो मिनट में इंशॉर्ट करके खत्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी। अच्छा फैज भाई एक चीज़ मेन, अच्छा सबसे मिनिमम हमारा एफसीआर कहाँ तक बैठता है और सबसे मैक्सिमम एफसीआर कहाँ तक बैठता है हमारा, देखिए ओपन शेड के अंदर, ओपन शेड में सबसे कम जो एफसीआर है वो है 25, और जो मिनिमम है मिनिमम 25 हो गया, जो मैक्सिमम है हमारा वो है 2829, लेकिन जो 26 27 एफसीआर अभी आया है गर्मियों में, जिसमें अच्छा खासा लॉस हुआ, जो रेट नीचे गिरा था वो गर्मी की वजह से एफसीआर कम आया है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, गडाप में हो गया, मेमनगोड़ हो गया, कायदाबाद पे, हर जगह जितने भी ओपन शेड वो तो काफी बार से रेट कम था, फिर दूसरी बात ये कि एफसीआर कम मिला, तो जिसके बाद जो है नुकसान हुआ। बाकी माशाल्लाह से रैकिंग करिए, सामने खुला खुला बैठा हुआ है, दोबारा से इंशाल्लाह ये साथ रैकिंग का मार देंगे, उम्मीद है आपको ये पता चलेगा कि रैकिंग किस तरीके से होती है। बाकी जो राइस पहले वाला जो उठा लिया था ना, लंबा वाला बाहर पड़ा हुआ देखें आप, तो वो भी इंशाल्लाह
नमी में आके हमने निकाल दिया था, अब वो मौसम के हिसाब से बेहतर हो गया। ह्यूमिडिटी ना भाई सर आपके सामने चल रहा है, पंखे आपके सामने चल रहे हैं। ओवरऑल उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट फिर दोबारा से बनाएंगे, इंशाल्लाह आज के दिन ही बनाएंगे। और आज के दिन जो है ना कोशिश मैं ये करूँगा कि अभी तक हमने वेट नहीं किया, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है इंशाल्लाह वेट भी चेक करा देंगे आपको कितनी अब तक फीट लग गई है और अभी तक कितने FCR पे हम खड़े हैं और मार्केट में कब हमारा चूजा जाएगा। और इसके अलावा ये कि कितनी मोर्टैलिटी अब तक हो गई है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।